एनपीएस के आईडी पासवर्ड रीसेट करें। अगर आप भूल गए हैं आईडी पासवर्ड, या आपने आज तक आईडी पासवर्ड नहीं बनाए हैं और आप अपना एनपीएस का परफॉर्मेंस ऑनलाइन देखना चाहते हैं, तो आज ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोलना है, जैसे मैंने गूगल क्रोम पे होम पेज पे आ गया हूँ, और यहाँ से सीधा आपको सर्च बार में जाना है। सर्च बार में जाने के बाद में आपको यहाँ पर CRANSDL की साइट खोलनी है, और आप CRANSDL के होम पेज पे आ जाएंगे। जैसे ये दिख रहा है, मैं अभी होम पेज पे हूँ, ऐसे आप होम पेज पे जाओगे। होम पेज में जाने के बाद में ये दिख रहा है सब्सक्राइबर, यूजर आईडी, पासवर्ड एंटर कैप्शन। अगर आपके पास में आईडी पासवर्ड है तो आप कैप्शन लगा के खोल सकते हो, अन्यथा आप रीसेट का ऑप्शन है ये, इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे आप अगले विंडो पे चले जाओगे, जैसे मैं अभी जा रहा हूँ, यहाँ से क्लिक करके आप पासवर्ड रीसेट के होम पेज पे आ गए हैं। अब आप यहाँ देखेंगे जनरेट पासवर्ड, यहाँ पर आपको जनरेट ओटीपी क्लिक करना है, प्रान नंबर डालना है, डीओबी डालनी है, और आपको एसएमएस पे क्लिक करना है, या आपका मेल ऑन है तो मेल पे भी क्लिक कर सकते हो। मेरे हिसाब से एसएमएस सही रहेगा। उसके बाद में हम न्यू पासवर्ड जनरेट करने हैं और कंफर्म पासवर्ड जनरेट करने हैं। उसके बाद में आपको कैप्चा क्लिक करना है, और उसके बाद में आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, आप रीसेट आई पिन पे आ गए हो, या आपका मोबाइल नंबर का पीछे के नंबर दिखेंगे और आपको ओटीपी दिखेंगे, वो ओटीपी यहाँ एंटर करने और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे, आप पासवर्ड रीसेट हो चुका है और क्लिक हेयर टू लॉगिन पे आ रहा है। आपका पासवर्ड आपने भी डाला था वो रीसेट हो चुका है। इसी तरह आप घर बैठे पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं हो सकती, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं।